मैं इसकी तीन चार बड़ी खुशियां समझता हूँ और तुमसे फजला तो यहाँ वो अपने दस्तारे संगीत मिलने वाली इसकी मैं साफ कह दूँ। एक बड़ी खुशूसियत ये है कि उसने इख्तलाफी मसाइल कठिन मसाइल के बजाय तौहीद व सुन्नत पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज की और ये वो विरासत है अमानत है जो उसका रिश्ता वल्लाह देहलवी और मैं कहने बात नहीं समझता कि रिश्ता इस्माई शहीद देहलवी और हजरत सीदना सीद अहमद शहीद के जरिए से उसको मिली और उसको अभी तक अजीज है। देवबंद की चार खुशूसियात है, सुन लीजिए। एक तो ये कि अकीदे तौहीद में बिल्कुल बेमेल बे अकीदे तौहीद में, दूसरे इक्तदार सुन्नत में बिल्कुल खड़े और तीसरे ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक अल्लाह की फिक्र करने वाले और चौथे एलाए कलिमतुल्लाह के जज्बा रखने वाले। ये चार अनासिर है, ये चार अनासिर तो बनता है मुसलमान, मैं कहता हूँ चार अनासिर तो बनता है देवबंदी। एक अकीदे तौहीद जिसमें कोई शायबा शिर्क नहीं, साफ साफ सुन लीजिए और हमारे फजला लाहिदिन पर निकले। और दूसरी बात क्या है, इत्तबाए सुन्नत का जज्बा और फिक्र। और तीसरी बात क्या है, ताल्लुक अल्लाह की कोशिश, नस्बत अल्लाह के जिक्र और हुजूरी हासिल हो और आखिरत का ख्याल गालिब रहे और ईमान है के साथ का जज्बा कभी साथ न छोड़े, जो अमल हो रजा इलाही के लिए हो। और चौथी चीज इलाए कलिमतुल्लाह का जज्बा कि जिस शक्ल में भी हो हमें इलाए कलिमतुल्लाह की कोशिश करें, असर मिल जाए तो देवबंदी बनता है और अगर इनमें से कोई अंसुर अगर इसमें से कम हो जाए तो वो देवबंदी नाफिस। तो ये इसका यह समझिए शिहार है, मोटो है, जो भी आप कह लीजिए, ये है फजला देवबंद का शिहार कि वो इन चार चीजों की जागर रहे।